सो वाइज़ पोको एक्स टू के अंदर में यार न्यू अपडेट देखने को मिल चुका है हम सभी को जो कि म्यू आई ट्वेल्व पॉइंट फाइव पॉइंट वन पॉइंट जीरो का एक स्टेबल अपडेट है और यहाँ पर यार काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिले हैं तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिले हैं और ये अपडेट जो है फाइनली सबको रोल आउट होने स्टार्ट हो चुका है इसमें सिस्टम के अंदर भी काफ़ी सारे अपडेट किए गए हैं नोट्स के अंदर भी काफ़ी सारे अपडेट किए गए हैं तो उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला अपडेट आप सभी को देखने को मिल चुका है काफ़ी आसानी से तो आप लोग भी भाई यहाँ पर अब आई

में जाते हैं और सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग जो है फ्रेम रेट को देख सकते हैं यहाँ पर 90 एफ तक कर दिया गया है भाई तो ये काफ़ी सही चीज़ है आप पता नहीं मुझे अभी ऐसा लग रहा है या बाद में हटा लिया जाता है पता नहीं बट यहाँ पर जो है वो नाइन्टी एफ तक जो है वो फ्रेम रेट कर दिया गया है तो आप लोग इसे भी जो है वो देख सकते हैं तो भाई सबसे पहला फ़ीचर जो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा वो है भाई इसका जो है गेमिंग से रिलेटेड अब गेमिंग से रिलेटेड भाई क्या है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ मान लीजिए आप कोई भी गेम जो है वो ऑन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो है you <sighs> वॉइस चेंजर्स का ऑफिशियली सपोर्ट्स देखने को मिल जाता है अब मैं यहाँ पर यार फ्री फायर को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग इधर साइड पर क्लिक करते हैं यहाँ से आप लोगों को डाउन करना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वॉइस चेंजर का जो है ऑफिशियली अपडेट आ चुका है पहले भाई आप लोग क्या क्या करके जो है इसमें लाने का ट्राई करते थे बट अब ये वॉइस चेंजर ऑफिशियली आ चुका है तो आप अगर बी या फिर आप फ्री फायर वगैरह या कोई सा भी गेम खेलते हो भाई तो यहाँ पर आप लोगों को ऑफिशियली देखने को ये वाला चीज़ मिल जाता है भाई वॉइस चेंजर का तो अगर ये फीचर आपको पसंद आया तो इस फीचर्स के लिए यार एक लाइक कर देना चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है फीचर्स जो हमें देखने को मिला है वो क्या है तो यहाँ पर भाई हम लोग सेटिंग के अंदर में जाते हैं अब बेसिकली यहाँ पर हम लोग आते हैं भाई लॉक स्क्रीन पर अब लॉक स्क्रीन में भी दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली थी बट यहाँ पर क्या था भाई कि लॉक स्क्रीन में जब आप लोग आते थे तो नोटिफिकेशन आप लोग जब फ़ोन को लॉक करते थे भाई और अनलॉक करते थे तो यहाँ पर भाई इस तरीके से आप जब भी करते थे तो यहाँ पर आप लोगों का जो है नोटिफिकेशन पैनल जो है वो ओपन हो जाता था अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो भाई कि नोटिफिकेशन पैनल को ही ऑफ़ कर सकते हो तो इसके लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर पर जाना है और यहाँ पर आप लोगों को वो आइटम शोज पर जाना है और एक कंट्रोल सेंटर को जो है बंद कर देना है और जब भी आप लोग अभी से बंद करोगे और यहाँ से स्वाइप करने की कोशिश करोगे तो भाई यहाँ पर जो है आपका नोटिफिकेशन नहीं खुलेगा और इससे यार बहुत बार दिक्कतें क्या आती थी कि आप किसी के हाथ में फ़ोन दिए रहते हो भाई और आप जो है नोटिफिकेशन शेड को बंद नहीं कर पाते थे तो ये एक इशू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था साथ ही साथ दोस्तों अभी जो यहाँ पर नया चेंजेस देखने को मिला है वो इसके जो है भाई वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन को देखने को मिला अगर मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं कुछ इस तरीके का मिल चुका है हालाँकि ये वाले फीचर्स को आप लोग भाई बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल करके भी कर लेते थे बट ऑफिशियली अब यहाँ पर आ चुका है है लेकिन यार ये जो है वो थोड़ा सा भाई लैगी है मुझे हल्का सा जो है है इसमें लैग देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले अपडेट में इसे भी जो है फिक्स कर कर दिया जाए दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं इसके साउंड क्वालिटी का तो भाई साउंड में भी काफी सारे चेंजेस किए गए हैं तो यहाँ पर जब हम लोग जाते हैं भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में तो यहाँ पर बेसिकली चार कंपार्टमेंट बने हुए आते थे बट अब तीन ही आ रहा है ठीक है और यहाँ पर और ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं लेकिन जो साउंड है भाई उसमें जो है वो स किया गया है अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पर जब मैं यार स्क्रीन शॉट लूँगा तो मैं थोड़ा सा यार माइक को नीचे के टाइप पर रख देता हूँ ताकि मैं स्क्रीन शॉट तो जो आपको साउंड है वो थोड़ा चेंज देखने को मिल जाए सो गाइज यहाँ पर जब मैं स्क्रीन लेता हूँ तो देख सकते हैं आपको एक हल्का सा साउंड देखने को मिलेगा मैं इसे यार जनरल पर कर देता हूँ भाई अब मैं देख सकते हैं हल्का सा एक साउंड देखने को मिला भाई आप लोगों को तो ये जो साउंड है यार ये काफी सही लगा और एक साउंड और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बूट एनिमेशन में जो साउंड है उसे भी चेंज कर दिया गया तो मैं यहाँ पर फोन को रिबूट कर देता हूँ तो जैसे ही मैंने रिबूट पर क्लिक किया तो अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा साउंड में चेंज देखने को मिला है और जो बूट एनिमेशन से वो काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है भाई तो ये हो गई साउंड की बात दोस्तों चलिए अब हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो अब है वो नोटिफिकेशन को लेकर के है नोटिफिकेशन सेट पर जैसे ही हम लोग जाते हैं भाई तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ा अलग टाइप से जो है आपको देखने को मिल जाता है मोर का ऑप्शन वगैरह तो ये थोड़ा अलग टाइप से हम लोगों को देखने को मिल जाता है हालांकि इससे पहले कुछ और टाइप से आता था तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा सेटिंग में जो है कस्टमाइजेशन किए गए हैं साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है वाल आप लोगों को कुछ नए देखने को मिल जाते हैं तो जैसे ही हम लोग थीम पर जाते हैं भाई तो थीम पर जाने के बाद यहाँ पर माई प्रोफाइल पर गया वाल पर गया भाई और यहाँ पर मैं नीचे जब आता हूँ तो देख सकते हैं ये सारे जो है वो न्यू वाल हम सभी को देखने को मिले हैं और काफ़ी पंची कलर में ये सारे वाल है यार तो मुझे यार पर्सनल काफी ज्यादा पसंद आए और जो कलर है वो काफी अट्रैक्टिव और कूल है और ये सब जो है ऑफिशियली देखने को मिल चुके हैं तो पर पर जो है 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 भाई सुपर तो तो नहीं मिला है बट ये पेपर यहाँ पर देखने को मिल चुका है तो ये सारे भी अमेजिंग आप लोग ट्राई कर सकते हैं दोस्तों चलिए एक और सेटिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई यहां पर अब मुझे पता नहीं ये पहले से था या नहीं था आई डोंट नो बट यहां पर यार ये मुझे काफी अच्छा और काफी मतलब जो है काफी यूनिक लगा भाई ये वाला फीचर्स तो इसके लिए मान लीजिए मैं किसी भी यार फोटो को क्लिक कर लेता हूँ और यहां पर ये थ्री डॉट्स पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है एडजस्ट का जब मैं इसके ऊपर भाई क्लिक करता हूँ ना तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसे डिटेक्ट करके जो है आप जिस भी मतलब पी बनाना चाहते हो या किसी एक खास पार्ट को कट करके अपने इसमें लाना चाहते हो तो वो आ जाता है हालाँकि यहाँ पर भाई ये क्रॉप का भी ऑप्शन मिल जाता है तो आप जितने से पार्ट्स को करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल दैट मैं यहाँ से यहाँ तक फोन का पूरा लेना चाहता हूँ तो पूरे फ़ोन को भी भाई यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो तो काफ़ी बार आप लोगों को पी वगैरह को आता था उतना ज़्यादा परफेक्टली तो नहीं है लेकिन फिर भी यार काफ़ी हद तक अच्छा है और आप लोग इसे यार पी वगैरह काफ़ी अच्छे से कट करके फोटो क्रॉप करके निकाल सकते हो तो ये यार मुझे काफ़ी सही लगा आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो ये सब कुछ न्यू फीचर्स थे जो आप लोगों को देखने को मिले हालांकि उतना ज़्यादा अच्छे फीचर्स नहीं मिले भाई सबसे ज़्यादा मुझे जो डिसअपॉइंट लगा वो लगा भाई नोटिफिकेशन पैनल में भाई यहाँ पर जो डाटा का जो सेटिंग का जो ऑप्शन मिलता था वो देना चाहिए था भाई क्योंकि डाटा कितना खर्च हुआ वो जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और कभी कभी यार बहुत ज़्यादा डाटा यूज़ कर लेते हैं और इंपॉर्टेंस काम के लिए डाटा नहीं बचता है तो वो दिक्कत आ जाती है और ऐसे हम लोग अपने डाटा को ट्रैक कर पाएंगे कि हाँ भाई मैंने इतना यूज़ किया है इतना मेरा बचा हुआ है तो इस हिसाब से साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ को फिक्स किया गया है पहले आप नीचे आते थे तो भाई यहाँ पर ये पिन हो जाता है आपका जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है ये पिन हो जाता है और आप इसे नीचे पूरा स्लाइड कर सकते हो वर्क मोड का ऑप्शन आपको पिछले बार ही देखने को मिल चुका था तो यहां पर यार ये पिन हो जाता है और पहले क्या होता था ये पूरा नीचे चला जाता था ब्राइटनेस कंट्रोल वगैरह में थोड़ा इशू हम लोगों को देखने को मिलता था साथ ही साथ दोस्तों यहां पर वीडियो एडिटर का भी ऑप्शन मिल चुका है तो अगर आप लोग वीडियो एडिटर पर भी जाते हैं भाई तो यहां पर आप लोगों को काफी सारे वीडियोज को एडिट करने के लिए जो है नए नए थीम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया मैंने वॉल्यूम को कम कर लिया आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई ये सब थीम्स वगैरह काफ़ी हैं इससे पहले में कुछ थीम्स वगैरह मिले हुए थे भाई टैंप्लेट्स वगैरह बट यहाँ पर कुछ कुछ मुझे लग रहा है कि न्यू टैम्पलेट्स भी देखने को मिले हैं अब आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि ये टेप्लेट्स पहले से थे या न्यू देखने को मिले हैं कुछ टेम्पलेट्स साथ ही साथ यहाँ पर फिल्टर का भी ऑप्शन है तो काफी सारे फिल्टर्स भी हैं तो आप लोग फिल्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग यार काफ़ी बार भाई इसके जो है इन को यूज़ नहीं करते एडिटर को यूज़ करना चाहिए काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं भाई तो ये सब कैसा लगा आप लोगों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई न्यू फीचर्स देखने को मिल रहा है के अंदर में तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके अपडेट जरूर कीजिएगा तो अब हम लोग जाते हैं नोट्स के अंदर में भाई जिसका यहां पर मेंशन किया गया तो नोट्स के अंदर में जब हम लोग जाते हैं तो यहां पर भाई हम लोगों को एक ऑप्शन अच्छा मिल जाता है भाई इस तरीके से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप लोग कुछ भी भाई टाइप वाइप करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग सिंपली सेलेक्ट करके भाई उस तरीके का कर सकते हो और इरेजर वगैरह भी यहां पर मिल जाता है काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है वो मैंशन किया गया है इन सारी चीजों को तो आप लोग इन सारी चीज़ों को काफी अच्छे से यूज कर सकते हो नोट्स के अंदर में भाई और एक सेटिंग में आप लोगों को और बता देता हूँ यहाँ पर जो दिया गया है वो अगर हम लोग जाते हैं इसके अंदर में भाई और जाते हैं यहां पर साउंड एंड वैब्रेट के अंदर में तो यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है साउंड uh, असिस्टेंस का इसके ऊपर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल्स एप्स अगर आप लोग इसे एनेबल कर देते हो भाई अब होता क्या है कभी आप लोग यूट्यूब देख रहे हो और आपके साउंड वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है भाई तो आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो है मल्टीपल एप्स मतलब यूट्यूब वगैरह के लिए अलग से आपको रहेगा आपके फोन की वॉल्यूम हाई ही रहेगी बट आप लोग जिस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल साइड से आप लोग कर पाओगे तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है यार आप लोगों को भी डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए और इससे रिलेटेड कोई और वीडियो भी चाहिए बैटरी कंप्रजेंस को लेकर के भाई की अपडेट की बात बैटरी कैसी है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर जिएगा मिलते हैं आपसे ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में जब तक के लिए टेक केयर बाय बाय